बिल्कुल टिपिकल पंजाबी है। टिपिकल पंजाबी इसे शब्द की तरह ले सकते हैं, शब्द हर किसी के बस में नहीं आते हैं, जैसे चीजें वैसी होती हैं जो कि हाँ ये वैसे ही है जैसे एक मंत्र होता है ना, जैसे आप गायत्री मंत्र है तो किसी को पता, कईयों को पता नहीं होगा उसका मीनिंग क्या है, लेकिन मंत्र आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मेरा नाम है मुनीश। मैं हूँ विजेंद्र। और मैं हूँ सुनील। और आज जिस गाने का हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है वाहो वाहो गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये हमें जो रिक्वेस्ट भेजी है वो रणवीर सिंह जी ने भेजी है, दीपिका पादुकोण के पति। वो नहीं है। अरे तुमने तो कहा था रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के पति ने भेजी है। यार एक ही रणवीर सिंह को जानते हैं। चलो है तो रणवीर सिंह की, नाम तो उसी का है, फोटो थोड़ी ना दिखा रहे हैं। और वाहो वाहो गुरु गोविंद सिंह जी ये गाना हमें भेजा है। गाना तो नहीं, मतलब एक आप डिवोशनल सॉन्ग कह सकते हैं इसको, तो शब्द बोल सकते हैं। और देखते हैं इस गाने को पंजाबी थोड़ी सी, अब क्योंकि शब्द हैं, शब्दों में क्या है पंजाबी थोड़ी सी टफ होती है, ऐसी पंजाबी नहीं होती है जो हमारे जैसे आम, मतलब जो चंडीगढ़ वगैरह और नॉर्मल पंजाबी बोलने वालों की समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ समझ आए तो हम बता सकें आपको कि क्या बोला गया है, एक्सप्लेन कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको। और वाहो वाहो गुरु गोविंद सिंह, वाहो वाहो गोविंद सिंह जी आपे गुर चेला गुरी भाई मेहताब सिंह जी। तो ये इनका शुरू करते हैं। ब्राउन आइज म्यूजिक, वाओ क्या लोकेशन, कश्मीर की वादियां दिखा दी। दसम पिता वर्गी जग अंदर काल सकता होर काल कोई नहीं, जेड़ा पुत वारे ऐसा पिता कोई नहीं, यस जेड़ा पिता वारे ऐसा बाप कोई नहीं। वाहो वाहो गोविंद सिंह, वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। खखंड बहंड खल खंड अतरण मंडन बरबंड कोई दांडे खंड तेर पटंड जोतो मंडन पान प्रमन सुख संता करन दुर्मत तरन केलब घरन असरन जन जन दानन सृष्टि अपारन मां प्रतिपारन जयते सत श्री अकाल। मंजूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह देह शिवा बरन मोहे शुभ कर्मन ते कब हूं ना गरा निदान
हक सच बहुत अच्छा गाना था, मतलब जो बीट थी पकड़ के रखा है, मतलब गाना एक गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में उनके बयां करता है और शायद शब्द हैं ये, मतलब इतना मुझे पता नहीं कि वो किया हुआ है, प्रेज किया हुआ है वाहो वाहो गोविंद सिंह जी ने आपे गुर चेला। तो बहुत ही अच्छा, शुरू में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो अपने बेटों को वार देगा, तो उन्होंने अपने बच्चों को वारा था वो। आपने अगर किसी ने चार शहजादे देखी है तो उन्हें पता भी होगा इस बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने ही बच्चों को, मतलब बच्चों को मतलब इस तरह से तैयार किया हुआ था उन्होंने कि वो अपने बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटे। और गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो दशम गुरु उनको कहा जाता है, दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो बहुत अच्छा गाना बनाया हुआ है इन्होंने और शब्द हैं, मतलब इतना अच्छे से समझ नहीं आएंगे, थोड़ा हाँ डिफिकल्ट वाली है क्योंकि ये बिल्कुल टिपिकल पंजाबी है, टिपिकल पंजाबी, इसे शब्द की तरह ले सकते थे, शब्द हर किसी के बस में नहीं आते हैं, जैसे चीजें वैसी होती हैं जो कि हाँ ये वैसे ही है जैसे एक मंत्र होता है ना, जैसे अब गायत्री मंत्र है तो किसी को पता, कईयों को पता नहीं होगा उसका मीनिंग क्या है, लेकिन मंत्र आता है तो वैसे ही ये है कि ये ज़्यादातर जो पंजाब के हमारे लोग हैं उन्हें पंजाबी हैं उनको आता होगा, लेकिन मे भी सबको मीनिंग पता ना हो। और वैसे मोटिवेशनल है सरदारों के लिए और मेन मतलब सरदारों का ही वो दिखाया है कि वो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका मतलब कैसा था वो, कैसे थे, ये तैयार करी थी, क्या कुछ किया था, तो और उसमें एक्सरसाइज करते हुए दिखाया नीचे साथ में जो बच्चे वो जो तलवार कृपाण वगैरह चला रहे होते हैं, तो वो भी वो एक कल्चर है, एक जिसे कहते हैं कि मार्शल आर्ट है एक तरह से, तो जब वो लड़ने जाते थे तो वो इतने कैसे मतलब इतने अच्छी तरह से वो चलाते थे उन चीजों को कि एक एक तभी तो कहते थे एक एक सिंह जो है वो एक एक सवा लाख के बराबर था एक तभी। तो बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना कह लो, शब्द कह लो, भजन कह लो, बहुत अच्छा था ये। और फिर म्यूजिक भी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, साथ में जो पिक्चराइजेशन है वो भी बहुत अच्छे, जो एरियल शॉट्स हैं काफी अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये था हमारा इस गाने को लेकर रिएक्शन, हमें ऐसा लगा ये गाना। आपको ये गाना कैसा लगा, आपने जब देखा इसे पहली बार तो कैसा लगा, या हमारे साथ पहली बार देखा है आपने तो आपको कैसा लगा ये गाना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, तभी हमें पता चल पाएगा कि आपने ये वीडियो इंजॉय की है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जरूर दबा दें, और कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दें नए से नए वीडियोस के, जो भी आपको अच्छे लगते हैं जरूर हमें कमेंट लिख के भेजें। ये वीडियो भी हमें सजेस्ट की गई थी तभी हम ये वीडियो देख पाए, अगर हमें कोई सजेस्ट नहीं करता तो शायद ये वीडियो हम नहीं लाइफ में शायद कभी नहीं देख पाते। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हमें सजेशंस से मिलती है, हमें हमारे भाइयों से, हमारे दोस्तों से कह लो, हमारे सब्सक्राइब जो किया हुआ है उन दोस्तों से हमें मिलती हैं सजेशंस, तभी हम इतने अच्छे वीडियोस इतने देख पाते हैं और ये रिएक्शंस आपके सामने लेके आ पा रहे हैं। तो आप भी सजेस्ट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा आएंगे, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय।